विधायक साहब, मौजूदा विधायक ने नेपाल लाल आरोप लगाते हुए कहा है कि आपने 5 साल मलाई मारी है, टोल को लेकर के पूरा मामला चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, जो माननीय विधायक जी ने स्टेटमेंट दिए वो 4 बजे से पहले किए या बाद किए? चलो बाद की स्टेटमेंट का तो क्या हुआ, 4 बजे पहले या बाद है? क्या 4 बजे बाद कुछ बोल सकते हैं क्या? हुआ 4 बजे के बाद सबको पता है, आप भी जानते हो, तो इसलिए बाकी उसका जवाब देना मैं उचित समझता हूँ, फिर भी चाहे जो भी कहा है उन्होंने। जहाँ तक बात है टोल प्लाजा की, ये वो कहते हैं हमारे कार्यकाल में लगा, ये उन्हें शायद ध्यान नहीं है कि 2011-12 में ये रोड शुरू हुआ था और इसकी जनवरी 2017 लास्ट डेट थी। उस समय 2017 के बाद इन्होंने टोल लगाना था। मैंने जब ये चीज़ें कहीं, उस समय पर कांग्रेस की सरकार थी 11-12 में और 17 में हमारी सरकार थी, 17 के अंदर जब मैंने ये विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, विधानसभा में उसकी कार्रवाई भी देख सकते हैं कि भाई जब तक ये पूरे रोड कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक टोल नहीं लगना चाहिए। अब तो इसमें और भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया, माननीय नितिन गडकरी जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 60 किलोमीटर से पहले NHAI पे कोई भी टोल नहीं लगेगा। इसके बावजूद उस समय पे ये सारे यहाँ से वहाँ तक पुल भी बन गए, एक पुल अभी भी 1721 नंबर प्रश्न है विधानसभा का मार्च 2017 का, उसके अंदर आप पता कर लो कि वहाँ उन्होंने उस समय पर राव नरवीर सिंह जी आपके PWD मिनिस्टर थे, सीकरी और बघोला के पुल जो रह रहे थे उनमें से सीकरी का बन गया, बघोला का अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया था, आश्वासन के बावजूद वो आज तक शुरू नहीं हुआ, अभी टोल लगने का कोई औचित्य बनता नहीं। दूसरी चीज, हमारा जो पृथला विधानसभा क्षेत्र में, बार बार कह रहा हूँ कि ये दो पार्ट में हो जाता है 60-40 के रेशों में, वहाँ अगर टोल लगता है तो हमारे जितने भी यार दोस्त रिश्तेदार मित्रवर पत्रकार बंधु वकील साहिबान जितने भी साथी हैं, जब भी वो अगर आप ही लोग अगर खबर करने पृथला जाओगे तो उसमें भी आपको टोल इधर से भी देना पड़ेगा उधर से भी देना पड़ेगा। ये बड़ा विचित्र सा मामला है कि इस टोल को लेकर के जिस तरीके से माननीय विधायक जी कह रहे हैं, काम तो होना चाहिए जनता के प्रतिनिधि होने के नाते ये कि भाई ये टोल नहीं लगना चाहिए, लगे भी तो ये हमारे जो पृथला विधानसभा क्षेत्र का के जो आम नागरिक हैं उनको एग्जेम्प्ट किया जाए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको एग्जेम्प्ट किया जाए, जिनकी ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ पृथला दूधौला ततारपुर और बघोला के अंदर हैं। पलवल से जो इधर का जो एरिया है, जो 18-20 किलोमीटर का जो पैच है हमारे यहाँ क्षेत्र का, इसके अंदर हमारा सारा दिन आवागमन रहता है और उसमें जो टोल पे बनाया गया है अभी आप जा करके देखिए, 12 लाइन इधर से हैं, 12 लाइन इधर से हैं, उसमें 2400 लाइन में कोई भी एक लाइन एग्जेम्प्टेड लाइन नहीं है और 100% गाड़ियों पर आज की डेट में फास्टैग लगा हुआ है। जब फास्टैग वहाँ लगा हुआ अगर जाएगा तो आप माने ना माने वो तो सबका कटना ही कटना है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें तो आदमी को इतनी बड़ी परेशानी हो जाएगी कि वो आदमी जो 20-25 हज़ार की नौकरी वाला है उसे 3,000 रुपये तो महीने का यही बर्डन बढ़ जाएगा। तो इसलिए मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की थी मैंने, जुलाई 2021 में मिला था, ज्ञापन दिया था, अब पुनः एक बार मिलूँगा और उनसे अनुरोध करूँगा, जबकि मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि भाई पब्लिक के लिए कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इस तरीके के मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, आप रोहतक साइड में चले जाइए, वहाँ पर अभी आपने पीछे भी पढ़ा होगा कि एक खड़खड़ टोल प्लाजा है, 10 किलोमीटर का एरिया एग्जेम्प्ट किया, हमारे क्षेत्र में पृथले में ये बीच में मिड होने के नाते भाई 10-15 किलोमीटर का एरिया जिसमें 50-60 गाँव आते हैं उनको तो एग्जेम्प्ट करना चाहिए। मेरा तो सीधा सा सिद्धांत है कि अगर मान लो भाई ये सरकार की तरफ से वो तो नितिन गडकरी जी का जो आदेश है वो तो अलग है, उसके बावजूद अगर ये लगता भी है तो हमारे क्षेत्र को इसमें एग्जेम्प्ट करना चाहिए। विधायक जी, अभी आपने 2-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और मौजूदा विधायक पर जनता की अनदेखी और विकास न करने की बात कही थी, उसके बाद मौजूदा विधायक सामने आते हैं, वो कहते हैं कि आपने 5 साल मलाई मारी,
आपने जो विकास किए वो भिडूकी में किए हैं, सेक्टर 37 में किए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? कह रहे कि इंडस्ट्री भी हम लेके आए हैं, सारी चीजें हम लेके आए हैं। देखिए जहाँ तक बात है विधायक जी का, मैं वो तो कहते हैं मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं जरूर जवाब देना चाहता हूँ। भिडूकी हुआ, 37 सेक्टर हुआ, मेरा रेजिडेंस हुआ, मेरा गांव हुआ। विधायक होने के नाते मैंने वहाँ पे कोई ऐसा अनुचित कार्य नहीं किया जिससे कि मैं कह सकूँ। इसके अलावा आज पृथला में वो कहते हैं कि मैं स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी लेकर के आया। माननीय कृष्णपाल जी आज भी मंत्री हैं, पहले भी मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी के आदेश थे, और विपुल गोयल जी उस टाइम पर गवर्नमेंट में यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर थे। मैं तो उनका धन्यवादी हूँ दोनों का, उस समय पे जो उन्होंने मेरी मदद की। अगर उस टाइम पे माननीय जो नयनपाल रावत जी हैं उनकी इतनी चल रही थी, शायद फिर तो वो 182 करोड़ की रेन्यूअल स्कीम भी वही लेके आए होंगे, गवर्नमेंट कॉलेज मोहना के अंदर भी वही लेके आए होंगे। माननीय कृष्णपाल जी का कोई सहयोग नहीं, आपका नर्सिंग डिग्री कॉलेज है, आईटीआई है, तीन तीन हमारे यहाँ पे सिकरौना, फतेहपुर बिल्लोच और मोहना के अंदर, मंडी भी उन्होंने बनवाई होगी। ये क्या मतलब बचपने की बातें करते हैं, मैं तो नहीं कहता। आज अगर उन्होंने कोई विकास किया होता मैं उस पर क्लेम कैसे कर सकता हूँ? विकास करना जिम्मेदारी होती है, मलाई खाने का मेरे को तो पता नहीं। हाँ विकास एक दो जगह जरूर हो रहा है, 15 सेक्टर में जहाँ कोठियाँ बन रही हैं उनका विकास हो रहा है, यहाँ पे कोई पता लगा है कि दूधौला में भी कोई 14 एकड़ जमीन का विकास हो रहा है। इस तरीके के विकास अगर मान लो मेरे को अगर ज़्यादा ही खुलवाने का उन्हें वो है, आकर के आमने सामने बहस कर ले, और मेरे को ये एलिगेशन जो लगाए हैं अगर सिद्ध हो गए तो राजनीति करना टेकचंद शर्मा के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं राजनीति एक मिनट में अगर ये सिद्ध होता है तो छोड़ने को भी तैयार हूँ। विधायक जी पिछले 5 साल आप विधायक रहे और आपने डिडोरा खूब पीटा है, 2500 करोड़ के विकास कार्यों का, परंतु अब जो मौजूदा विधायक है वो कहते हैं कि उसमें से जो 1400 करोड़ की जो यूनिवर्सिटी है वो खुद लेकर के आने वाले हैं, आपके फिर 2500 करोड़ के विकास कहाँ है? भाई जहाँ तक बात है यूनिवर्सिटी की, देखिए मैं आज भी कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी का, कृष्णपाल जी का, विपुल गोयल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरे क्षेत्र के अंदर 82 एकड़ जमीन उस सरपंच ने दी जिस पर झूठा 307 का केस बनाया गया, 376 का केस बनाया गया। आज कहते हैं कि मतलब इन्होंने विकास की बात करते हैं। मैं तो एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आज 2.5 साल हो गया, 2.5 साल के अंदर एकाध चीज का तो नाम बताएं जो वो लेकर के आए हैं। मैंने तो 17 इंस्टीट्यूट उस समय पहले कहा था, 17 जो कि अपने आप में हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से लाया, कृष्णपाल जी के सहयोग से लाया। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं करके काट करूं, ये ज्वाइंट प्रोसेस होती है। और सब माननीय कृष्णपाल जी हुए, विपुल गोयल जी हुए, उस समय के माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये काम हुए। मैंने अपने आप में कुछ मतलब आपका कहना है नयनपाल रावत ने 2.5 साल में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया? 2.5 साल के अंदर एक काम गिनवा दें वो, अच्छा एक, बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा मैं, अगर उन्होंने जो नया काम किया। इसके अलावा वो कहते हैं कोरोना काल था, या इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोरोना पृथ्वी में तो जरूर लग गया, ना तो बल्लभगढ़ में लगा, ना बड़कल में लगा, ना पलवल में लगा, न हमारे तिगांव में लगा, न ओल्ड फरीदाबाद में लगा। 5 कंस्टिट्यूएंसी हमारे क्षेत्र में किस अगल बगल में लगती है, वह सैकड़ों करोड़ के विकास कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हो रहे हैं। हमारे पृथला के अंदर ऐसा क्या हो गया? अभी माननीय मुख्यमंत्री 5 दिन पहले आए थे यहाँ पे, तिगांव में एक रैली की थी, उस समय पर हमने एक उप तहसील बनाई थी मेरे अपने समय में दयालपुर के अंदर। उसमें कहा गया कि भाई 2 पटवार सर्कलों को उसमें से निकाला जाता है, उसमें एक पटवार सर्कल रह जाएगा, वो तहसील उप तहसील का दर्जा खत्म हो जाएगा। ये लड़ाई लड़नी किसकी जिम्मेवारी है? ये अपना जो विधायक है उसको कहना चाहिए कि उप तहसील मेरे यहाँ पे है, या तो इसमें से 2 निकालते हो, 2 और 20 इसमें ऐड करो, जिससे कि हमारे यहाँ एक बड़ा विचित्र सा मामला है, सैकड़ों करोड़ रुपया जो हमारे पास था ये 5-6 गाँव के अंदर, मुजेडी, नवादा और ये जो है ये मच्छगर, नीम का और ये सोतई वगैरह में, वो सैकड़ों करोड़ रुपया नगर निगम में चला गया, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी चली गई, उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया।
ये अगर मेरे समय पर जाता तब मैं इसका दोषी था। आज माननीय विधायक जी को चाहिए कि इसके लिए लड़ाई लड़े और इसके लिए हमें अपने क्षेत्र की भलाई की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप कह रहे थे कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है कहाँ, सेक्टर 15 में विकास हो रहा है कहाँ, दुदौला में 14 एकड़ जमीन, ये कौन सा विकास हो रहा है, किसका विकास हो रहा है, ये आप खुद जा करके देख लीजिए। और भी मेरे पास तो इतने सारे वो लगे रखे हुए हैं। मैं आपको एक टोल की बात बताना चाहता हूँ। टोल पे एक ढाबा बना है, पलवल से आते हैं तो टोल के साथ में एक टीन का ढाबा बना हुआ है, और वो टीन के ढाबा सरकारी पंचायती जमीन पे है, चला कौन रहा है उसका ये भी पता कर लीजिए, मेरे पास तो है सारा प्रूफ, आप ही बता दीजिए फिर। ये माननीय विधायक जी के रिश्तेदार हैं, यार दोस्त, माननीय विधायक जी उसका उद्घाटन करते हैं, पंचायती जमीन पे ढाबा चला हुआ है, यार ये कौन सा तरीका हुआ, ये विकास है ये? अवैध कब्जा करवा रहा है, अवैध कब्जा करवा रखा है, सारी चीजें आप जाकर के देख लीजिए, वहाँ ये हालत है कि हर आदमी परेशान। विधायक जी, 5 साल में मलाई किसने खाई और 2.5 साल में मलाई किसने खाई, क्या कुछ कहना चाहिए? देखो भाई, आप बड़े समझदार साथी हो, मैं तो मलाई वलाई खाने का तो मेरे को पता नहीं, बाकी एक चीज जानता हूँ, जनसेवा जो मेरा उद्देश्य था, मैंने 5 साल उसमें पूर्ण रूप से अपना भरपूर सहयोग दिया, और आज भी कोई विधायक इतना वर्क करके दिखा दे मैं जिंदगी भर उनका चेला बन जाऊंगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से काम किए, माननीय कृष्णपाल जी के आशीर्वाद से काम किए, मैं कभी उन चीज़ों को भूलता नहीं। जब मेरे क्षेत्र में जो 2500 करोड़ की लिस्ट जो पूछते हैं ना, मेरे सामने लगी हुई है मेरे दफ्तर में, आप एक एक चीज़ का फोटो करके आप उसको दिखाइए, अगर नहीं है उसमें, मैंने इसीलिए लिखा था कि 2500 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं तो उसका मैंने प्रूफ भी दिया। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई कहता है, अननोन बनता है, ना समझ बनता है, अज्ञानी बनता है, तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। विधायक जी, एक बात और कहते हैं मौजूदा विधायक के, 5 साल का ये कैसा विकास है जो महज कुछ ही दिनों में सड़कें टूट गई, गांव के जो हालात हैं वो खराब हो गए। अब 1.25 साल से जब चुनाव पंचायत के नहीं हुए, और जहां विकास की बात करते हैं, सड़कों टूटने की बात है, आज कौन सा माननीय विधायक जी ने 2 साल में ये सड़कें बनवा दी, 3 साल में रिपेयर होना लाजमी होता है। सड़कें टूटने का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई आज बनी है, वो 4 साल पहले 5 साल पहले जो सड़कें बनी थी वो नेचुरल सी बात है कि 3 साल में रिपेयर तो मांगती है, बाकी रिपेयर करने कराने के लिए फुर्सत चाहिए, किसी को काम कराने के लिए लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, बगैर जाए अगर उम्मीद लेकर के चले तो ये पॉसिबल। तो आप फरीदाबाद से परवल जाने के लिए टोल देना पड़ेगा फरीदाबाद के लिए? बिल्कुल, फरीदाबाद से जाओगे आप, पृथले भी जाओगे तब भी आप कोई खबर करने के लिए जाओगे तो आपको इधर से भी टोल देना पड़ेगा, और जब वापसी आओगे तो वो भी टैक्स आपको, सरकारी दहेज आपको देना पड़ेगा। किस हिसाब से लेंगे, एग्जिट करने पर लेंगे या सिर्फ घुसने? दोनों तरफ से अलग अलग है, कोई मदद है ना उसमें नहीं है डबल। अगर कोई भी आदमी बगैर टोल के, ना कोई जमींदार, ना कोई किसान, ना कोई नौकरी पेशे वाला आदमी, ना कोई पत्रकार बंधु, ना कोई वकील भाई, ना कोई हमारा आने जाने का जो सिस्टम है वो कोई भी साथी उसमें एक कल मैं गया था, लोग बहुत दुखी थे वहाँ पर, लोग बहुत दुखी थे, हर कोई यही कह रहा था भाई ये क्या हो रहा है, अब तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, अब हम पलवल जाते थे बेरोक टूक जाते थे, कोई रोकता नहीं था, अब हमें टोल देना पड़ेगा। हर कोई दुखी था, हर कोई निराश था, आप कई दिनों से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान विधायक हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया, कोई मांग नहीं आई सरकार से कि भाई हमारे क्षेत्रवासियों को तो छोड़ दो या आसपास के लोगों को छोड़ दो, उनसे टैक्स ना लो, कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था खड़ी करो, कोई मांग नहीं आई। अभी कल मैं देख रहा था कि 400 करोड़ का पुल पलवल में बन रहा है भाई विकास, वो तो इसको समर्थन करने के लिए, बड़ा विशेष रूप से मैं भी कहता हूँ कि हमारी सरकार के माध्यम से इतने विकास कार्य हुए हैं, किसी से छुपे हुए नहीं है। बाकी जहाँ तक मेरा आज भी है, पलवल और बल्लभगढ़ के बीच का जो भी साथी है या फरीदाबाद से जो साथी जाता है, चाहे मैंने 4-5 कैटेगरी गिनवाई हैं आपको, इंडस्ट्रियलिस्ट, आम जमींदार, आम नागरिक, नौकरी पेशा आदमी, वकील साहिबान, पत्रकार बंधु, या जितने भी जो साथी हैं लोकल हमारे वहाँ जाते हैं, उनको एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, उनको कंसेशनल रेट पे कोई भी चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जैसे उचित समझें इसका निवारण करें। ये भी तो ये एक नासूर बन जाएगा वरना हमारे एग्जिट करने पर ही कटे टोल ना, ये भी तो हो सकता है जब यहाँ से एंट्री करता है और कहीं पर एग्जिट करता है
तो दूरी देखकर काटने, पलवल जाने वालों को ना काटने। नहीं ऐसा है ना, इसके अंदर वो चीज है आपके केजीपी और केएमपी पे, ये नेशनल हाईवे पे ये कहीं भी ऐसा नहीं है। नेशनल हाईवे पे कहीं पे भी ये इस तरीके की वो नहीं है पॉलिसी, वो सिर्फ केजीपी और केएमपी पे अभी तक। इसके लिए क्या करेंगे आप? मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं पहले मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, कृष्ण पाल जी से मिलूंगा, अगर उसके बावजूद समाधान नहीं हुआ तो जो जनता जनार्दन कहेगी हम एक महापंचायत करके उसका फैसला करेंगे, उसमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, इलाके की जनता को बुलाएंगे, इलाके के लोगों को साथ लेकर के जो भी संभव होगा वो कार्य। वर्तमान विधायक जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? उनको जनता की आवाज को लेकर मैं तो चाहता हूं कि वर्तमान विधायक जी आए और इसमें पूर्ण रूप से सहयोग करें, उनके पास पावर है, वो मुख्यमंत्री जी से जाकर बात करें और मुख्यमंत्री जी के साथ साथ इलाके की जनता का भी ख्याल रखें, ना कि तसला बजाने से, साइकिल चलाने से, इन चीज़ों से विकास नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।